प्यारे बच्चों, कोविड 19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। इसे डस्टबिन में फेंकने जा रहा हूं। तो ये रैपर किसके हैं? आया यहीं से फैल रहा था। ओ, धरती वासी। हाय, मैं चमकी। ये आजू। हेलो हेलो। वो राया। हाय। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम चीपों चक चक। और मैं चैपे चुक चुक। चीपों और चैपे। क्या नाम है? क्या नाम है? आप दोनों कौन से प्लैनेट से हैं? आपने मार्स का नाम तो सुना ही होगा। उसी के पास एक छोटा सा प्लैनेट है, बी मार्स। बी मार्स? हाँ, हम वहीं से हैं। हम आपकी गली देखने आए थे। स्पेस से ये बहुत खूबसूरत दिखती है। ओह, शुक्रिया शुक्रिया। सचमुच गली तो बहुत सुंदर है।
पर अब हमारा स्पेसशिप नहीं चल रहा, हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए। मैं कुकी को बुला के लेके आती हूँ, वो हमारा स्पेसशिप एक्सपर्ट है। हम सफाई शुरू करते हैं। चलो चलो सफाई मिशन सफाई। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड गुगली स्पेसशिप एक्सपर्ट। हाय गुगली। हाय। हेलो बीमार वासी। मुझे स्पेसशिप को अंदर से देखना होगा। ओके चलो चलिए। आइए आइए आइए, हमारे स्पेसशिप में आपका स्वागत है धरती वासी गुगली। यहाँ कितना कचरा है और बदबू भी आ रही है। सबसे पहले हमें यहाँ की सफाई करनी होगी। मैं एक डस्टबिन और सफाई का दूसरा सामान लेके आती हूँ। ठीक है अच्छू, जल्दी आना। डस्टबिन वो क्या होता है? इसे कहते हैं डस्टबिन। ये है डस्टर और हाथों में ग्लव्स। डस्टबिन, झाड़ू, ग्लव्स। और ये गया आखिरी कचरा डस्टबिन में। देखो चुक चुक, हमारा स्पेसशिप गली की तरह साफ और सुंदर दिख रहा है। थैंक यू धरती वासियों। वेलकम चुक चुक। क्या अब हमारा स्पेसशिप चल पड़ेगा? हो सकता है इतनी गंदगी से स्पेसशिप बीमार हो गया हो। क्या स्पेसशिप भी बीमार हो सकते हैं? हेल्दी रहने के लिए अपने घर और आसपास की जगहों को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी से कीटाणु फैलते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। रुको, मैं देखता हूँ कि इंजन को क्या बीमारी है। ये तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ फंसा हुआ है। अब ठीक लग रहा है। आम की चुसी हुई गुठली। अब हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। मदद के लिए थैंक यू धरती वासियों, थैंक यू। और एक बहुत बड़ा थैंक यू इस डस्टबिन के लिए। बाय 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 बाय। वाओ, साफ सुथरी गली, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा सफाई खत्म, अब चलो जल्दी से हाथ धोते हैं। Got it. कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, अंडरस्टैंड? हेलो जी, हो जाए एक हाई फाइव। एक मिनट ग्रोवर, पहले मैं केले का छिलका कूड़ेदान में तो डाल दूं। चलो अब हो जाए हाई फाइव। अब तो हाई फाइव शाई फाइव से बात नहीं बनेगी, अब तो तुम्हें मिलेगी ग्रोवर की स्पेशल जप्पी। मालूम है क्यों? क्योंकि तुमने मुझे दे दिया आज का शब्द कूड़ेदान। कूड़ेदान का क्या मतलब होता है? डस्टबिन या कचरा डालने की सही जगह होता है।
कचरे का डिब्बा। तो कूड़ेदान में कूड़ा डालने से क्या फायदा होता है? हमारे आसपास साफ सफाई रहती है और हम हेल्दी फील करते हैं। और ये कूड़ेदान कहाँ कहाँ होता है? कूड़ेदान हर पब्लिक प्लेस में जरूरी होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, पार्क्स और सड़कों पे। मेरे घर में तो कूड़ेदान हर जगह है, किचन में, बाथरूम में और मेरे रूम में भी। ओ भाई साहब, लगता है आप दो दो कूड़ेदान देख करके कंफ्यूज हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा यूज करूं? मेरी मानो तो दोनों में थोड़ा थोड़ा कूड़ा डाल दो। अरे ग्रोवर, मैं कुछ वैसा ही करने वाला था। इस वाले कूड़ेदान में रिसाइकिल यानी वो जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पेपर, ग्लास की बोतलें, और इस वाले में ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, जिससे बनेगी खाद। वाह, अब पता चला कि अलग अलग टाइप का कूड़ा और कूड़ेदान भी होते हैं। ये अच्छी बात सीखी मैंने। बाय अल्मो। बाय पीकू। बाय आंटी। बाय बाय अल्मो। हाय अल्मो। हाय पापा। अल्मो, क्या हुआ बेटा? अल्मो, अपने पापा को भी नहीं बताओगे क्या हुआ? जाना चाहता। अरे क्यों? अल्मो, तुम्हें तो स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ तुम ड्राइंग बनाते हो, गाना गाते हो, गिनते गिनना सीखते हो और अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। पापा, जिमी, जिमी अब कभी स्कूल नहीं आएगा। क्यों? जिमी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं और जा रहा है, बहुत दूर। अच्छा। पापा, एमो जिमी को बहुत मिस करेगा। मैं समझ रहा हूँ एल्मो, तुम बहुत उदास हो। आखिर तुम और जिमी इतने अच्छे दोस्त जो थे। हाँ पापा, एमो और जिमी स्कूल में साथ साथ बैठते थे, साथ साथ खेलते थे और लंच भी साथ साथ खाते थे। एल्मो, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा एक दोस्त था, बहुत ही पक्का दोस्त, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चला गया। जब वो स्कूल छोड़ के गया, मैं भी बहुत उदास था, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जैसे तुम उदास हो। तो पापा भी उदास होते? हाँ एल्मो, सब लोग कभी ना कभी उदास होते हैं। उदास होते तो वो क्या करते? जब कभी मैं उदास होता हूँ तो मैं तुम्हें या तुम्हारी मम्मी को हक करता हूँ ऐसे। अब तुम्हें पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा। एल्मो, पता है कभी कभी ड्राइंग करने से भी मूड अच्छा हो जाता है। चलो हम दोनों मिलकर ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करते हैं। पापा, एमो को मछली की ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। एमो मछली की ड्राइंग बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, चलो। पापा भी बनाएंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगा। ड्राइंग करने में बड़ा मजा आता। तुमने तो सच में बहुत अच्छी ड्राइंग की। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू पापा। क्या तुम्हें पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है? पर अगर एमो ये मछली की ड्राइंग जिमी को भेज सकता तो
एमो को और भी अच्छा लगता। चिमी को भी मछलियाँ बहुत पसंद है। एमो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ये ड्राइंग जिम्मी के नए एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं। उसको भी अच्छा लगेगा और वो जान जाएगा कि एल्मो उसको कितना मिस कर रहा है। अब कैसा लग रहा है पार्टनर? एल्मो अभी भी जिम्मी को मिस करेगा, पर अब एल्मो उदास नहीं है। वेरी गुड एल्मो। तो अब कल स्कूल जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एमो, एमो कल स्कूल जाएगा। Yeah, that's my boy. Thank you. Love you, my son. ब्रेक के बाद मिलेंगे एक नए दोस्त से और गणित की दुनिया में देखेंगे अनी की नई चाल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 गली गली सिम सिम गली गली सिम 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 गली गली सिम सिम। हाय बर्ट, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं अर्नी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, एक बढ़िया आइडिया है अर्नी, मुझे ये किताब खत्म करनी है। एक खेल खेलते हैं। ठीक है बताओ, पर मजेदार होना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ बर्ट। अर्नी, हम कहाँ हैं? घबराओ नहीं बर्ट, अभी पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह है? ये है गणित की दुनिया। अर्नी, आज के गेम में ये स्लाइड है, लगता है बहुत मजा आने वाला है। ये तुमने बिल्कुल सही गेस किया बर्ट, आज का गेम ऊपर नीचे इस स्लाइड पर ही खेला जाएगा। तो देर किस बात की अर्नी, शुरू करो। ध्यान से सुनो बर्ट, चैलेंज ये है कि तुम्हें जाना है ऊपर और फिर आना है नीचे। ऊपर जाने के लिए तुम इस सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर बर्ट नीचे आने के लिए तुम सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्या तुम ये चैलेंज स्वीकार करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहूंगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ अर्नी। देखो अभी मैं हूँ नीचे और हाँ, आ, 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 ये लो मैं पहुँच गया ऊपर और अब बिना सीढ़ी का इस्तेमाल किए वी आ गया नीचे। तुमने बिल्कुल सही किया बर्ट, एक बार फिर से करके दिखाओगे? शौक से अर्नी, ये देखो अभी मैं नीचे हूँ, अब सीढ़ी चढ़ के आ गया ऊपर और अब बिना सीढ़ी इस्तेमाल किए वी आ गया नीचे। बहुत खूब बर्ट, अब क्या गेम का दूसरा राउंड भी खेलना चाहोगे? जरूर बर्ट, इस राउंड में तुम्हें बिना सीढ़ी का इस्तेमाल किए जाना है ऊपर और फिर सीढ़ी का इस्तेमाल करके आना है नीचे। हाँ, बिना सीढ़ी के ऊपर ये कैसे होगा अर्नी? मतलब मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा? हाँ, ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, अरे मैं तो फिर से नीचे आ गया। ओहो, फिर से नीचे आ गया, ये तो बहुत मुश्किल है अर्नी। कोई बात नहीं बर्ड, तुम कोशिश करते रहो, तब तक मैं जरा आइसक्रीम खा के आता हूँ। अर्नी, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अर्णा, मैं पापा के साथ स्कूल जा रही हूँ। मैं पापा के साथ कार में बैठूंगी। कार में बैठ के स्कूल जाना मुझे बहुत पसंद है, पर कार में सफर करते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हम हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। कार के अंदर का सबसे पहला रूल, कार में हमेशा सीट बेल्ट पहन के रखनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैफिक रूल होता है। ये ट्रैफिक सिग्नल है, इसको हमें ध्यान से देखकर समझना होता है। इसमें तीन कलर्स होते हैं और हर रंग का एक अलग मतलब होता है। रेड यानी रुक जाओ, येलो यानी थोड़ा सा वेट करो, ग्रीन यानी अब आगे जा सकते हो। पापा ने बताया कि गाड़ी को हमेशा रोड की लेफ्ट यानी बाई साइड पे चलाना चाहिए। अब दैट इज अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग,
दैट इज यूज्ड टू टेल पीपल कि यहाँ से आप रोड क्रॉस कर सकते हो। पापा कहते हैं कि हर सड़क पे स्पीड के साइंस लगे होते हैं, ये हमें गाड़ी चलाने में बहुत मदद करते हैं। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ये साइन हमें बताता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए। भीड़ वाली सड़क पे गाड़ी धीरे और लंबी चौड़ी सड़क पे गाड़ी थोड़ी फास्ट। अब हम गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। ये साइंस हमें इसमें भी मदद करते हैं। ये देखिए, ये साइन हमें बताता है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं हो सकती। ऐसा करने से सड़क पे ट्रैफिक जाम्स नहीं होते और सब बच्चे टाइम से स्कूल पहुँच जाते हैं। जैसे गाड़ी के लिए ट्रैफिक सिग्नल होता है, वैसे ही पैदल चलने वाले लोगों के लिए इन्हीं तीन कलर्स का पेडेस्ट्रियन सिग्नल होता है। रोड क्रॉस करते समय हम बच्चों को हमेशा अपने बड़ों का हाथ पकड़ना चाहिए। रोड क्रॉस करने के टाइम ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए। ज़ीब्रा क्रॉसिंग में सफेद लाइंस होती है काली सड़क पे, बिल्कुल ज़ीब्रा एनिमल की तरह। रोड क्रॉस करने से पहले बाएं, दाएं और फिर बाएं देखना जरूरी होता है। ऐसे ही तो हम सेफ रहेंगे रोड ट्रैफिक से। खरीद सके बनाना होगा ऐसा प्लान। अब तेरी हो गया एल्मो का, और खुश है उसने मेहनत की, एल्मो ने किया, अब तुम भी कर दिखाओगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। जब चाहिए कुछ खास तुम्हें, एक प्लान बना उसी समय, फिर मेहनत तुम करो, पक्के इरादे भी हो तो हर ख्वाहिशों की पूरी कर सकते हैं, कर सकते हैं। खरीद सके बनाना होगा ऐसा प्लान। अब तेरी हो गया एल्मो का, और खुश है उसने मेहनत की, एल्मो ने किया, अब तुम भी कर दिखाओगे। कुकी को बचाने हैं पैसे, वो बनाएगा प्लान। खरीदने हैं मुझे कुकी और चॉकलेट से भरा बैग, थोड़ा सबर थोड़ी बचत, फिर कामयाब होगा प्लान। वो कर सकता है, और तुम भी कर दिखाओगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।